नहीं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब ही इज़ बियॉन्ड लेजेंड, और उनके साथ गाना तो दूर की बात, जब भी उनके प्रेजेंस में भी रहता हूँ तो बहुत बहुत ही एक अलग का एक पॉजिटिव उनका एक जो ऑरा है वो वाकई कमाल का है, और जब उनके लिए गाना गाता हूँ तो और भी मज़ा आता है उसका, और इसलिए जब भी बुलाते सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुँच ही जाता हूँ। और ऑफकोर्स ये फिल्म भी स्पेशल है क्योंकि मंजू का ये दूसरा फिल्म है, और उनकी पहली फिल्म का भी टाइटल ट्रैक हाँ वो मैंने गाया था, और काश तुम होते का टाइटल सॉन्ग गाया था। और अब ये जो फिल्म बन रही है दो पल प्यार के, ये फिल्म इसलिए भी और भी खास है क्योंकि मेरे एक और बहुत ही चहेते, बहुत ही अजीज़, मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड पार्थोदा पार्थो घोष साहब डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म का एक हिस्सा बनकर, इस गाने को गाकर, और दीपक स्नेह जी ने बहुत अच्छा लिखा है, डॉक्टर दीपक स्नेह, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जैसे अबीदा के जो मेलोडीज होते हैं, टाइमलेस, एवरग्रीन एंड एवरलास्टिंग। तो गाने का थीम क्या है, क्या सिचुएशन है, बताइए। पलक मुच्छल के साथ ड्यूएट गाना है, रोमांटिक गाना है, दो पल प्यार के, और क्या थीम हो सकता है, बाकी सब सर ही बताएंगे आपको क्या थीम है। रोमांटिक गाना नैनीताल में पिक्चराइज हुआ है, नैनीताल में पिक्चराइज हुआ है, और फिल्म की शूट जो है कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल, इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे थे ना तो टेम्परेचर हम लोग एकदम जीरो पे रखे थे, ठंड ठंड वो फीलिंग आया। और मंजू जी और मैं समझता हूँ कि बबीता ने बड़ा पहले से कह के रखा था कि ये गाना जो है शान गाए तो शायद और बेटर। डेफिनेटली मैं बहुत लकीस्ट फील कर रही हूँ कि शान जी ने सेकेंड टाइम और टाइटल सॉन्ग गा रहे हैं, क्योंकि लास्ट मूवी में भी टाइटल सॉन्ग शान जी ने ही गाया है, और बहुत ही मेलेडियस वॉइस है, बहुत टची वॉइस है। सो हमारी फर्स्ट चॉइस शान जी थे, और शान जी ने बहुत प्यार से बहुत रोमांटिकली गाया है, रोमांटिक सॉन्ग है, दिल को छूने वाला गाना है। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर द रिलीज। आगे एक प्रोजेक्ट जहाँ है वहाँ अगर नहीं पहुँचूंगा तो कंट्रोल हो जाएगा, पहुँचने कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैम फिल्म के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं। फिल्म कम्प्लीटली रोमांटिक फिल्म है, एंड काफ़ी कुछ फिल्म के अंदर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लीजेंडरी लोगों ने, जैसे कि म्यूज़िक के बारे में कहूँ तो बबीता का म्यूज़िक है, बबीता इज़ हिमसेल्फ लीजेंडरी, सो उनके लिए कहना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, मतलब छोटी है मुँह बड़ी बात होगी। सो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं हम लोग म्यूज़िक को लेके, म्यूज़िक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड जो मेन पार्ट है फिल्म का वो इसको डायरेक्ट पार्थोदा सर ने किया है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी, बहुत अपने आप को हम लोग बहुत लकीस्ट फील कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे लीजेंडरी इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, और फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म के साथ साथ काफ़ी फ्रेश स्टोरी है, फ्रेश कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो बस उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए। तो मनी जी, स्टार कास्ट के बारे में बताइए, कौन स्टार कास्ट है फिल्म में? मेन लीडिंग में मुकेश, अगेन वी आर कमिंग विद द मुकेश भारती हैं, एंड मडालसा शर्मा, और सपोर्टिंग कास्ट में अविनाश वधावन हैं, नीलू कोहली हैं, उषा बचानी, हेमंत पांडे, और जो मेन चीज़ है इसका जो सॉन्ग कोरियोग्राफी जो की है मास्टर गणेश आचार्य जी ने की है, और उनका परफॉर्मेंस भी है गाने में, और हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट नैनीताल में कंप्लीट करके आए हैं हम लोग। सो क्वाइट एक्साइटेड। देखिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, एक्चुअली मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि पिक्चर कब रिलीज़ हो, क्योंकि इसमें म्यूज़िक जो बबीता ने जो दिया है, इसमें बप्पी लहरी साहब ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है, और इस फिल्म के अंदर जो सिंगर हैं मैं समझता हूँ बहुत अच्छे सिंगर हैं। इसमें पहला सॉन्ग इसमें अपने अरमान मलिक ने भी गाया है, पलक मुछाल, और जैसे आपने देखा शान, तो इस बहुत अच्छे सॉन्ग हैं इसमें, और कोरियोग्राफिंग इसमें गणेश आचार्य जी ने की है, उन्होंने मुझे मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक आप लोग शायद जानते हैं कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ और कराटे फाइटर भी हूँ, तो बहुत उन्होंने मुझे जो है नचाया है, तो इट्स वेरी एक्साइटेड कि मैं अपना खुद डांस देखना चाहता हूँ इस फिल्म के अंदर, के कैसा डांस किया है। मुकेश जी, जैसा आप अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन हैं जी, तो अक्षय को अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड मिला रुस्तम के लिए, आपकी भी कोई प्रेरणा है कि आगे चल के नेशनल अवार्ड ऐसी फिल्में करें? बहुत मैं तो एक्चुअली देखिए, मैं अक्षय कुमार तो नहीं बन सकता, बट अक्षय कुमार जैसा काम जरूर करना चाहता हूँ, जैसा अक्षय कुमार जी की फाइटिंग को लेके और कॉमेडी और एवरीथिंग जो उनके अंदर क्वालिटी है मैं उसको भी फॉलो करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी उन जैसा काम करूँ, तो शायद फिर से मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अक्षय कुमार तो नहीं बनना चाहता, बट अक्षय कुमार जैसा काम जरूर करना चाहता हूँ मैं। लास्टली ये पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म को जब पढ़ते पाएगा तो क्या कहना चाहेंगे, कि किस तरह से लोग इस फिल्म को लेंगे, मतलब कितने एक्साइटेड हैं आप इस फिल्म के बारे में?
देखिए लोगों को ये फिल्म मुझे लगता है बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत अलग के फिल्म है। म्यूज़िकल तो है, यूएसबी तो है इसमें, क्योंकि म्यूज़िक बपीदा ने दिया है इसमें। और हर गाना मैं कहना चाहता हूँ कि बपीदा का फेमस हुआ है, और ये गाने भी लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो मतलब मैं कहूँ कि मतलब पूरी फैमिली देख सकती है बैठ के। मैं यश राज की फिल्म कह सकता हूँ कि ये फिल्म जो है यश राज की है, और ऑल फैमिली से बैठ के पिक्चर देख सकती है। खास मौका बहुत ही है, बिकॉज दो पल प्यार के, वंडरफुल टाइटल एंड वंडरफुल डायरेक्टर मिस्टर पार्थ घोष। ऑलरेडी वी हैव डन सुपरहिट फिल्म लाइक दलाल, गीत जिसका गाना अभी भी बजता है, तो मंजू भारती जी प्रोड्यूसर हैं, और ये गाना सभी अच्छा हो गया, शान गा के गया। पहले गाना मैं भी गाया, पलक मुछल ने गाई, अरमान मल्लिक ने गाया, बहुत अच्छा गाया अरमान ने। और उसको मेरा अच्छा लगा क्यों, लिटिल चैम्प्स में वो मेरा शागिर्द थे, तो उसको मैं पहला दफ़े गाना गवाया इनका ही पिक्चर में, मंजू जी का पिक्चर में। और मुकेश जी अपना है हैंडसम हीरो, हैंडसम हीरो ऑफ दिस फिल्म, एंड आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम लवली रोमांटिक सॉन्ग इज कमिंग। ऐसा नहीं है, पंजाबी स्टाइल का भी गाना है, जिसमें एक पंजाबी गाना में एक टेरिफिक गाना गाई है अमृता फडणवीस जी, मिसेस अमृता फडणवीस, बहुत अच्छी गाई है, तो वो गाना भी सुपर हिट है। आहू आहू इसे पंजाबी स्टाइल का गाना, सुपर हिट गाना है, तो उन्होंने डाप डाप करके गया, कल ही रिकॉर्डिंग होगा, तो एक्सेलेंट, एवरीथिंग इज एक्सेलेंट। खाली अभी एक गाना मैं भी गाया ना, पार्टी दम दम दम, वेरी गुड सॉन्ग, पार्टी दम दम दम, वो तो पूरा डिस्को में और डांस बार में चलने वाला गाना। और तो रोमांटिक गाना शान का था, एक अरमान का था, और कवाली एक है जो हम लोग गाना गवा रहे हैं, अभी डिसाइड कर रहे हैं किससे गवाने का, हो गया गाना बैकग्राउंड सॉन्ग। तो बस आप लोग दुआ कीजिए दो पल प्यार के, और गाना लिखा है डॉक्टर दीपक स्नेह, इज अ वेरी गुड राइटर, सब मिलके टीम वर्क बहुत अच्छा हुआ, और अब सब कुछ तो ऊपर वाला का, अच्छा जब हीट हो जाता है तो सबका फायदा होता है। मंजू जी पूछना चाहूँगा कि लेजेंडरी बप्पीदा आपके फिल्म में संगीत दे रहे हैं, कितना प्राउड महसूस करें इस बात को लेकर? मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को फील कर रही हूँ कि दादा जैसे लीजेंडरी पर्सन्स का की सपोर्ट और उनका आशीर्वाद हम लोगों को इस प्रोजेक्ट में मिल रहा है। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, और बस दादा से यही आशीर्वाद चाहते हैं कि बस ऐसे ही हमें आगे भी आशीर्वाद देते रहें। मुकेश जी दादा के बारे में तो मैं ये कहूँगा, जैसे दादा का जो आशीर्वाद है फर्स्ट डे से और आज तक, दादा ने मुझे फर्स्ट डे से ही ये कहा कि जिस तरीके से ये गाने जो बने हैं, तुम्हें एक दिन अच्छा हीरो भी बन जाएंगे, और एक अच्छा मतलब बहुत सारी दुआएं हैं दादा की मेरे ऊपर फर्स्ट डे से, और मैं बहुत खुश हूँ इस म्यूज़िक को लेके कि मैं फर्स्ट टाइम मतलब ये देख रहा हूँ कि दादा का जो टैलेंट है और दादा के जो बनाए हुए जो गाने हैं ना, तो मैं बहुत अपने आप में बहुत खुश नसीब हूँ कि ये गाने मेरे ऊपर पिक्चराइज हुए हैं, और दादा को मैं बार बार मैं हर समय थैंक्स बोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छा टीम वर्क है, बहुत वेरी गुड टीम वर्क, पार्थोदा मुकेश जी एज ए हीरो एंड मंजू जी का पिक्चर जो प्रोडक्शन हाउस है विवेक फिल्म प्रोडक्शन हाउस, एक्सेलेंट। और मेरा एक कहना है, आई मीन दिस 46 ईयर्स इन बॉलीवुड, I have recorded 91 Sanjay Dutt ka Patamma Tamma Loge. When I was in Los Angeles, achanak Bhushan Kumar ji ka phone aaya, Karan Johar ka phone aaya, jab Bapida main use kar raha hu gana, to
मैं बोला हीरो कौन है, बोला वरुण धवन, तो मैं बोला वो वॉइस यूज मत करो, मैं फिर से गा के भेजता हूँ। तो फिर मैं लॉस एंजल्स में स्टूडियो में वरुण के लिए मैं गाना भेजा, तो आपको तो मालूम है ऑल टाइम सुपर हिट हो गया पिक्चर। तो मैं कोई भी यंग हीरो का पर जब भी मैं गाता हूँ मेरा वॉइस चेंज करके गाता हूँ, लाइक पार्टी दम 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 जो गाना है सुपर डुपर हिट गाना है। तो मेरा हिसाब से म्यूजिक का तो मुकेश बहुत टैलेंटेड है, मैं आशा है डेफिनेटली ये घर से काफ़ी आर्टिस्ट आए, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, चंकी पांडे, अक्षय कुमार, तो मैं भी चाहता हूँ बस और एक सुपरस्टार सुपरस्टार फिर से आ जाए। लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं? मैं अभी दो पिक्चर कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा बहुत फुल पिक्चर में, एक है राम रतन बोल के पिक्चर आ रहा है, उसका बहुत अच्छा म्यूजिक हुआ, उसमें भी डॉक्टर दीपक स्नेही लिखा गाना, और उसमें मैंने पिक्चरेज भी किया है गाना, वो भी एकदम रिलीज कट इनके साथ साथ ही आएगा। प्लस एक पिक्चर आप लोग शायद अभी प्रोमो चालू हो गया, मेरी प्यारी बिंदु, यश राज का मेरी प्यारी बिंदु, बड़ी परिणीता चोपड़ा है, आयुष्मान पुराना, उसमें पूरा मेरा गाना जितना ओल्ड सॉन्ग का जो फोबिया है वो रख के मेरा फोटो का ऊपर बहुत अच्छा किया है, वो भी रिलीज हुए हैं 14 मई को। थैंक यू। ये एक सोशल लव स्टोरी है, फैमिली ड्रामा है, सब लोग बैठ के देख सकते हैं फैमिली में, और एक रोमांटिक है भी, और लाल भीमताल, हल्द्वानी और ये सब कई जगह पे, मुरादाबाद, तो एक लुक भी उसका एक अलग आया होगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ये फिल्म में सभी कुछ इंग्रेडिएंट्स है, मतलब जो एक लोगों को पसंद आने जैसे हैं और सभी लोग को पसंद आएगा। आपकी पहले भी फिल्में जो हैं वो कोई प्लेन लव स्टोरी नहीं होती, उसमें थोड़ा टर्न और ट्विस्ट होता है, तो इसमें क्या टर्न और ट्विस्ट है? यहाँ पर भी टर्न एंड ट्विस्ट है डेफिनेटली, और स्ट्रेट नहीं है, और इसमें भी लोग उसके लिए एक इंटरेस्ट एंड तक रहेगा कि क्या होने वाला है, पर ये सस्पेंस थ्रिलर नहीं है, पर फिर भी एक इंटरेस्ट तो है ही इसमें ये क्या होने वाला आगे, जब तक वो कैच नहीं होता है तब ऑडियंस एंड तक बैठते भी नहीं है। अच्छा, हमारे इसमें मुकेश भारती हीरो है और मादालसा शर्मा हीरोइन है, बाकी कैरेक्टर रोल में काफ़ी लोग हैं जो लोग आप जानते भी होंगे ज़्यादा, अविनाश वाधवान, नीलू कोहली, उषा बचानी, एहसान खान, हेमंत पांडे, काफ़ी लोग हैं। और इसका जो गाने कोरियोग्राफर गणेश जी, गणेश आचार्य, उन्होंने किया है, खुद एक्ट भी किया है उस गाने में उन्होंने, और गाने बहुत अच्छे हैं, बापीदा बहुत अच्छे ट्यून दिए हैं, सिंगर भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, अमन मालिक गाए हुए हैं, अभी शान अभी भी गाके गए, पलक मुचल है, वो तो बहुत अच्छे सिंगर है, वो दो गाने गए, और भी कुछ गाने हमारे डबिंग होने बाकी है, तो उसमें भी श्याम की वाइफ ने भी गाया है आज, हाँ श्याम जी के वही अमृता जी भी गाना गाते हैं, तो उम्मीद है ये गाने का एक पैकेज भी बहुत अच्छा गाना होगा और लोगों को पसंद आएगा। बहुत ही खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि इतने लीजेंडरी पर्संस इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं और सेफ हैंड हम लोग फील कर रहे हैं, और बहुत अच्छा हम लोगों ने स्टार्टअप लिया, फिनिश हमने बहुत अच्छा किया है, बिकॉज यहाँ पे ऐसी कोई डर वाली बात नहीं थी, क्योंकि आई एम क्वाइट हैप्पी के दादा हैं और दादा बहुत सेफ हैंड हैं, तो बहुत हैप्पीली हम लोगों ने प्रोजेक्ट शूट कंप्लीट की है, और काफ़ी सिंगर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मेलोडी है, पार्टी सॉन्ग गाया है, और दादा के ऑब्जर्वेशन में सुपरविजन में हुई है प्रोजेक्ट, सो आई एम रियली हैप्पी। देखिए मैं तो बड़ा खुशनसीब समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने दो दादा के साथ काम किया है, एक पार्थो घोष दादा हमारे जो डायरेक्टर हैं हमारी फिल्म के, और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं शूट कर चुके हैं दादा,
मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ कि एक इंडस्ट्री में जो बॉलीवुड में इतनी बड़ी फिल्म दे रखी है दादा ने, तो मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो ये मैं अपने आप में बड़ा खुश नसीब समझ रहा हूँ। और दूसरा दादा हमारे बपीदा, जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर में और सिंगर में उनका आज भी नाम है और सारे गाने सुपरहिट हैं आज की डेट में, तो बस इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए क्या हो सकती है। इस फिल्म में जान फूकेंगे आप, क्या कोशिश करेंगे कि ये फिल्म सफल बन जाए? फिल्म तो ऑलरेडी जान फूक चुकी है। एक दादा बड़े दादा पार्थो घोष एक्सपीरियंस्ड, एक औरा बपीदा म्यूजिक डायरेक्टर, और सबसे बड़े ऊपर वाले दादा, तीनों दादा का मेल हो गया तो फिल्म कम्प्लीट हो गई है। सो दो पल प्यार के ऐसी बूम करेगी, दुनिया देखते ही रह जाएगी। हम बताएंगे, फिल्म अपने आप में ही प्रमोट हो जाएगी, हो रही है, एंड पीपल विल सी, वॉट वेट एंड वॉच।